हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें भगवान बहुत प्रेम करते हैं, भगवान बहुत उन्हें सच्चे दिल से चाहते हैं, भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग जो लोग बहुत ही सरल स्वभाव के, बिल्कुल साफ दिल के, मर्म हृदय के, बिना किसी लाग लपेट के, छल कपट के वो बातें करते हैं। उनको नहीं पता कि सामने वाला उसका मिसयूज़ कर जाएगा, बट वो दिल खोल के अपना रख देते हैं। जो बहुत साफ दिल के होते हैं, सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, लोगों के दुखों को इस तरीके से फील करते हैं जैसे वो दुख उनका खुद का हो, ऐसे जो लोग होते हैं वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में एक बात और बता दूँ मैं, संकट भी बहुत आते हैं। संकट किस लिए आते हैं? भगवान उनकी परीक्षाएँ लेते हैं, उन परीक्षाओं में उनको कुछ लेसन सिखाते हैं, उनको समझाते हैं कि बेटा तुम बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत प्रेमी हो, बहुत प्रिय हो, लेकिन ये जो आपके आसपास के लोग हैं वो बहुत छली कपटी बहुत धूर्त चालाक हैं। तुम्हें इन लोगों से बहुत चालाकी से अपने पेश आना होगा। तुम अच्छे हो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें ये लाग लपेट, छल कपट, थोड़ा बहुत चतुराई सीखनी होगी। तुम सीखोगे लेकिन तुम अंदर कैसे नहीं हो, तुम्हें सीखना पड़ेगा अपना जीवन जीने के लिए, तुम्हें चालाक बनना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को कुछ लाइफ के लेसन सिखाने के लिए उनके जीवन में प्रॉब्लम्स भगवान देते हैं, संकट देते हैं, संघर्ष देते हैं। फिर उनके जीवन में जब वो अच्छे लोग लेसन लाइफ के सारे लेसन सीख जाते हैं, फिर वो जो जिन लोगों के ज़रिए उनकी अवेकनिंग हुई थी उन्हीं लोगों के साथ फिर वो उसी चतुराई से पेश आते हैं। भगवान का ये पर्पज़ होता है कि लाइफ के लेसन इन्हें सिखाए जाए और फिर धीरे धीरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। भगवान को जो उनको सिखाना होता है अच्छे लोगों को वो सिखा देते हैं, है ना। अच्छे तो वो होते ही हैं, पर जो लोग सामने छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष वो रखते हैं, वो भी अच्छे लोग आसानी से पहचानने लग जाते हैं जब भगवान उन्हें लेसन सिखाते हैं। सीखने के बाद वो सब समझने लग जाते हैं कि कौन सामने वाला बंदा उनसे दिल से बात कर रहा है, कौन चालाकी से बात कर रहा है, कुछ कौन धूर्तता दिखा रहा है। पहले वो सच्चे इतने थे कि लोगों की ज़ुबान पर विश्वास कर लेते थे कि इसने ज़ुबान से किया, क्योंकि वो खुद इतने सच्चे हैं, वो जो ज़ुबान से बोलते हैं वही दिल से बोलते हैं, बट उनको नहीं पता कि सामने वाले लोग कैसे हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता लग जाता है कि लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और ऐसे लोग भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं, हमेशा उनका भला करते हैं, हमेशा उनके जीवन में उनके संकट के समय में उनका हाथ पकड़ कर रखते हैं। तो ऐसे अच्छे तो आप हैं ही, तभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। बस यही बताना था। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय।